हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू वंस अगेन इन आवर क्लासेस. लेट्स कंटिन्यू आवर चैप्टर 5, कोल एंड पेट्रोलियम. सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट लिमिटेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स. फॉसिल फ्यूल्स के व्हाट इज द लिमिटेशंस, लिमिटेशन क्या है, क्या क्या इसमें कमी है. वी हैव स्टडीड इन द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर दैट फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम and natural gases are exhaustible natural resources. Two main limitations of fossil fuels are as follow. First one is limited availability. मतलब ये बहुत ही कम quantity में उपलब्ध है, कम मात्रा में उपलब्ध है. And second one is air pollution. So let's discuss first point, limited availability. First one, इसमें क्या availability है. It took millions of years for the conservation of dead organism into fossil fuel. मतलब fossil fuel बनने में लाखों साल लगते हैं organism से. Also this resource cannot replenish themselves by quick recycling and replacement within a reasonable time. दूसरा, ये जो resources हैं ये खुद से replenish नहीं हो सकते, recycle भी नहीं हो सकते जल्दी से. सो इफ दिस रिसोर्स विल बी यूज एट देयर प्रेजेंट रेट ऑफ कंजप्शन, अगर हम इनको ऐसे ही यूज करते रहे तो नॉन रिजर्व ऑफ दिस फॉसिल फ्यूल विल लास्ट ओनली अ फ्यू हंड्रेड ईयर कॉजिंग एनर्जी क्राइसिस, और कुछ सालों बाद ही ये खत्म हो जाएंगे हमेशा के लिए. एंड वी कैन नॉट यूज इन आवर फ्यूचर, तो हम इनको भविष्य में यूज नहीं कर पाएंगे. सो दिस इज द लिमिटेशन, मोस्ट इम्पोर्टेंट लिमिटेशन. नेक्स्ट, एयर पॉल्यूशन. बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल प्रोड्यूस गैसियस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड स्मोक. जब हम फॉसिल फ्यूल को जलाते हैं तो इनसे ये गैसें निकलती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड स्मोक. दिस गैसियस प्रोडक्ट्स एंड स्मोक कॉज और एयर पॉल्यूशन, ये एयर पॉल्यूशन पैदा करती हैं. एयर पॉल्यूशन लीड्स टू रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम. रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम मीन्स सांस की बीमारियां, हमको एयर पोल्यूशन से सांस की बीमारियां होंगी. इन ह्यूमन बींग्स इट कॉजेस सफोकेशन एंड मे इवन कॉज डेथ. हमको सफोकेशन भी हो सकता है या फिर हमारी मृत्यु भी हो सकती है. सो सी दिस फर्स्ट वन स्टेप बाय स्टेप. सल्फर डाइऑक्साइड. सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस व्हाइल बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स कंबाइन विद रेन वाटर टू फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड. दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट. सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस जो होती है वाइल बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल जलाने के दौरान, ये कंबाइन होगी, कंबाइन्स विद रेन वाटर बारिश के पानी के साथ एंड टू फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड. तो सल्फर डाइऑक्साइड बारिश के पानी के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड जनरेट करेगी. दिस पॉल्यूटेड रेन कंटेनिंग सल्फ्यूरिक एसिड इज कॉल्ड एसिड रेन, और इसी को हम एसिड रेन बोलते हैं जब ये एसिड इसके साथ में नीचे गिरेगा पानी के साथ कंबाइन होकर. सी दिस इज द पिक्चर ऑफ एयर पॉल्यूशन. देखो कितना यहाँ पे ये धुआं निकल रहा है और एयर पॉल्यूट हो रही है. नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है दैट लीड्स टू इंक्रीज इन एवरेज टेम्परेचर ऑफ अवर अर्थ, जिससे कि इट इज अ ग्रीन हाउस गैस जो कि लीड करता है एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ को इंक्रीज करने में. इट लीड्स टू मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस, जो पोल होते हैं वहां की आइस को मेल्ट करेगा ये जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो. अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो पोलर आइस मेल्ट होगी एंड देन वाटर लेवल इंक्रीजेस एंड बहुत सारे वहां के आसपास की चीजें डूब जाएंगी पानी में और खत्म हो जाएंगी. नेक्स्ट, इनकम्प्लीट कम्बर्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड सूट पार्टिकल. अगर हम इनको इनकम्प्लीट कम्बर्शन मतलब पूरे तरीके से नहीं जलेगी, सो रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी एंड सूट पार्टिकल. सूट पार्टिकल मीन्स कुछ पार्टिकल्स रहते हैं धुएं टाइप से, राख टाइप से, वो बनेंगे ब्लैक ब्लैक से. नेक्स्ट इसमें में देखो, व्हेन वी इनहेल कार्बन मोनोऑक्साइड, जब हम इसको इनहेल करेंगे ले लेंगे, इट कंबाइंस विथ हीमोग्लोबिन, ये हमारे ब्लड में होता है, हमारे खून में पाया जाता है हीमोग्लोबिन. सो इट कंबाइंस विथ हीमोग्लोबिन इन अवर ब्लड एंड फॉर्म्स कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, और ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा. कार्बन मोनोऑक्साइड कंबाइन विथ हीमोग्लोबिन एंड फॉर्म कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन. ड्यू टू दिस हीमोग्लोबिन बिकम्स अनस्टेबल टू कैरी ऑक्सीजन, जिससे क्या होगा, हीमोग्लोबिन अनस्टेबल हो जाएगा ऑक्सीजन को ले जाने में बॉडी सेल्स तक.
दैट रिजल्ट इन द डेथ ड्यू टू सफोकेशन, और सफोकेशन से मृत्यु भी हो जाएगी। बी वाला इसमें देखो, सूट पार्टिकल्स इंटर अवर बॉडी, ये जो धूल मिट्टी के जो राख ये होगी हमारी बॉडी में इंटर होगी जब हम सांस लेंगे, कफ कफ हो जाएगी, स्नीजिंग छींक आना एंड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम लाइक अस्थमा भी हो जाएगा। सो कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल्स, हाउ टू कंजर्व फॉसिल फ्यूल, कंजर्वेशन मीन्स इनको बचाना, इनको संरक्षित करना। कैसे बचाएंगे? कंजर्वेशन इज द वाइज एंड केयरफुल यूज ऑफ रिसोर्सेज, कंजर्वेशन मीन्स उनका चतुराई से इस्तेमाल करना। वी नीड टू कंजर्व फॉसिल फ्यूल कीपिंग इन माइंड देयर लिमिटेड अवेलेबिलिटी, हमको इनको इस तरह से कंजर्व करना है कि हमको कीपिंग इन माइंड देयर लिमिटेड अवेलेबिलिटी, मतलब कितने लिमिटेड हैं इसको माइंड में रखो। फर्स्ट पॉइंट देखो, वी शुड रिड्यूस द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल एंड यूज दिस फ्यूल ओनली व्हेन एब्सोल्युटली नेसेसरी, इनका कम से कम यूज करें और जब ही यूज करें जब इनकी बहुत ज्यादा जरूरत है हाँ कि यूज करना है। सेकंड पॉइंट, वी शुड एनकरेज द यूज ऑफ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, हम लोगों को एनकरेज करें, जागरूक करें फॉर द यूज ऑफ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी लाइक हाइड्रो एनर्जी, सोलर एनर्जी, हाइड्रो मीन्स पानी वाली एनर्जी, सोलर सनलाइट एंड विंड एनर्जी टू मीट अवर एनर्जी नीड्स। वी शुड यूज मोर यूजफुल इफिशियंट मशीन, हमको ऐसी मशीनें यूज करना है जो ज़्यादा फ्यूल इफिशियंट हो। सी दिस हाइड्रो एनर्जी, दिस इज विंड एनर्जी। नेक्स्ट, डू यू नो इन इंडिया द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन PCRA इसका शॉर्ट फॉर्म है, हैज लेड डाउन सर्टन रूल्स टू बी फॉलोड फॉर सेविंग पेट्रोल डीजल एंड CNG, कुछ रूल्स बनाए हैं जिससे पेट्रोल डीजल और CNG को बचाया जा सके। सो व्हाट इज दिस रूल, ड्राइव एट ए कॉन्स्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल, जितना हो सके कॉन्स्टेंट और मॉडरेट, ना तो ज़्यादा धीमे चलाएं ना ही गाड़ियों को तेज चलाएं, है ना, कॉन्स्टेंट स्पीड से उनको ड्राइव करें। स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट, ट्रैफिक लाइट पर इंजन को बंद करें और एट ए प्लेस वेयर यू हैव टू वेट, जहां पर कि आपको इंतजार करना है उस जगह बंद कर दें। इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल, जो हमारी गाड़ियां हैं व्हीकल्स हैं इनको रेगुलरली मेंटेनेंस करवाएं, इनका मेंटेनेंस मींस इनकी देखरेख करें, टाइम टू टाइम इनमें सर्विस करवाएं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, जूडियस यूज ऑफ एनर्जी हैज टू मेन एडवांटेज, क्या है इससे, इट हेल्प्स टू डेवलप टेक्नोलॉजीज टू मीट द एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन, जो हमारी ग्रोइंग पॉपुलेशन है उसकी एनर्जी की नीड को ये बताएंगे मिलेगी। ठीक है, इट गिव्स अस साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स मोर टाइम टू डेवलप मोर इफिशियंट अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी, जिससे साइंटिस्ट जो हैं और इंजीनियर जो हैं इनको ज़्यादा टाइम मिलेगा जिससे कि इफिशियंट अल्टरनेटिव हम इसके बदले में कुछ और दूसरे तरह की चीज़ें बना सके, उनको टाइम मिलेगा इसके लिए। केयर फॉर द एनवायरनमेंट, सी दिस पॉइंट, केयर फॉर द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट का केयर किस तरह से करें। सी, फर्स्ट वी शुड टेक द फॉलोइंग स्टेप टू कंजर्व एनर्जी, हम एनर्जी को कंजर्व करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए। सो फर्स्ट स्टेप इज यूज फैंस, लाइट, कूलर, रूम हीटर, एयर कंडीशनर, इट इज ही ओनली व्हेन रिक्वायर्ड, इनको तभी चलाएं जब जरूरत हो। यूज डिवाइसेज लाइक सोलर कुकर, सोलर वाटर हीटर, सोलर पंप दैट यूज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, सोलर कुकर का यूज करें, सोलर वाटर हीटर का, सोलर पंप का यूज करें जिससे कि एनर्जी बचेगी। फ्यूल इफिशियंट मस्ट बी यूज्ड एंड देयर इंजन मस्ट बी प्रॉपरली मेंटेन, फ्यूल इफिशियंट ऐसे व्हीकल यूज करें जो फ्यूल इफिशियंट हो, कम फ्यूल का इस्तेमाल करते हो एंड प्रॉपरली मेंटेनेंस शुड बी रिक्वायर्ड। रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ गैस पाइप, गैस पाइप का रेगुलरली मेंटेनेंस करें, ऑयल पाइप्स एंड वाटर पाइप इज नेसेसरी टू प्रिवेंट लॉस ऑफ रिसोर्सेज, जिससे हमारे रिसोर्सेज का लॉस ना हो पाए। यूज क्लोरोफ्लोरो सीएफएल जो आती है, फ्लोरोसेंट लैंप जो आते हैं वो सीएफएल्स एंड एलईडीज इंस्टेड ऑफ बल्ब की बजाय इन दोनों का यूज करें, सीएफएल और एलईडीज का यूज करें, दैट कंज्यूम लेस एनर्जी।
यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंस्टेड ऑफ प्राइवेट व्हीकल्स एज फार एज पॉसिबल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें प्राइवेट व्हीकल ले जाने की बजाय। यूज प्रेशर कुकर फॉर कुकिंग, प्रेशर कुकर का यूज करें खाना पकाने के लिए। ओके सो दिस इज ओवर ऑफ आवर ऑफ टुडेज चैप्टर एंड लेट्स डिस्कस एक्सरसाइज क्वेश्चन। फर्स्ट वन इज टिक द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेस। इनमें से कौन सा एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स नहीं है? सो इसका ऑप्शन है सी, सी एयर जो है एग्जॉस्टिबल नहीं है, ये हमेशा बना रहेगा। इज हार्ड फॉसिल फ्यूल, इनमें से हार्ड फॉसिल फ्यूल कौन सा है? पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, कोल, वुड। इसका ऑप्शन है कोल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्टेंड बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। इनमें से चारों में से कौन सा डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल से हमको नहीं मिलता है? कोक, पेट्रोल एंड इसका ऑप्शन है पेट्रोल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज एविएशन फ्यूल इन जेट एरोप्लेन्स। जेट एरोप्लेन्स में एविएशन फ्यूल के लिए क्या यूज होता है? सो ऑप्शन इज केरोसिन, फोर्थ वाला डी केरोसिन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर मेकिंग रोड सरफेस। रोड सरफेस बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? तो ऑप्शन सी बिटुमेन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। कौन सा रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है? सो ऑप्शन इज हाइड्रो एनर्जी। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स इन ह्यूमंस। सांस की बीमारी किससे हो सकती है? सो ऑप्शन सी इज एयर पॉल्यूशन। फिल इन द ब्लैंक्स। कोक इज ऑब्टेंड बाय द, कोक हमको कैसे मिलता है? बाय द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। इसका ऑप्शन है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। इज ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम का कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा है? एंड इज यूज इन मेकिंग कॉस्मेटिक, जो कि कॉस्मेटिक बनाने में यूज होता है। इसका ऑप्शन है पेराफिन वैक्स। थर्ड पॉइंट इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक गोल्ड। ब्लैक गोल्ड किसको बोलते हैं? तो पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड बोलते हैं। सी एन जी स्टैंड फॉर, सी एन जी का फुल फॉर्म क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसका ऑप्शन है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। हैज ए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 250 डिग्री सेंटीग्रेड टू 350 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका ऑप्शन है डीजल का बॉइलिंग पॉइंट 250 से 350 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेचुरल गैस कंसिस्ट मेनली ऑफ, नेचुरल गैस में मेनली क्या होता है? इसका ऑप्शन है मीथेन। कहाँ क्या होता है नेचुरल गैस में? मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। सो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन विल बी डिस्कस्ड इन अवर नेक्स्ट सेशन। ओके हम इसको हमारे नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। ओके सो जो भी हमने पढ़ा है चैप्टर में प्लीज इसको अच्छे से रिवाइज करें एंड पढ़ें आपकी बुक को, और ये जो क्वेश्चन आंसर बताएं इनको कॉपी में नोट डाउन करें। और अगर कोई समस्या है, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन प्लीज़ हमें बताएं। कोई अगर वर्ड है, टॉपिक है जो समझ में ना आया हो, सो वी विल सॉल्व योर प्रॉब्लम्स एंड प्लीज़ प्रैक्टिस इट, नोट डाउन इन योर कॉपी, योर कॉपी विल बी चेक्ड एनी टाइम्स। ओके so read it, study it and note down, और जो भी समस्या है उसको बताएं। okay so today class is enough for today and we are going to end of the session। so okay bye bye, thank you।